शुरुआत करते हैं आरजे एक्सप्रेस। भारत के इतिहास में पहली बार पेट्रोल डीजल दोनों 80 के पार, बढ़ोतरी जारी। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़, दो आतंकवादी ढेर। मध्य प्रदेश कांग्रेस के बाद आज अनोखे अंदाज में महापौर ढेबर करेंगे साइकिल चलाकर पेट्रोल डीजल के मूल्य वृद्धि का विरोध। 15 जुलाई तक जारी होंगे CBSE और ICSE बोर्ड के 10वीं 12वीं के परिणाम। भारत में कोरोना वायरस हुआ बेकाबू, 24 घंटे में 18,000 से अधिक मामलों का रिकॉर्ड। पुणे के एक मस्जिद को COVID-19 केंद्र में बदला गया, फ्री ऑक्सीजन कराई जा रही उपलब्ध। PM मोदी ने आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान को किया लॉन्च, 31 जनपदों में प्रवासी मजदूरों को मिलेगा लाभ। मुंबई फायर ब्रिगेड के 117 कर्मियों में कोरोना वायरस की पुष्टि, अब तक 8 की मौत। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में CRPF की टीम पर हमला, एक जवान सहित एक बच्चे की भी मौत। नई दिल्ली में 1 जुलाई से 12 अगस्त तक के लिए बुक की गई सभी नियमित ट्रेनें रद्द। सप्ताह के 5वें दिन घरेलू वायदा बाजार में सोने की कीमतों में गिरावट। ऑस्ट्रेलिया के टेनिस खिलाड़ियों को चुनौती पेश करने का मिलेगा मौका। छत्तीसगढ़ में शुक्रवार से खोल दिए गए शॉपिंग मॉल, क्लब, होटल और रेस्टोरेंट। स्क्रीन पर जल्द लौटेगा स्टार भारत का शो जगजननी माँ वैष्णो देवी। अमेरिका में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या 25,02,000 के पार। देश में अब तक 4,90,401 लोग कोरोना से संक्रमित, अब तक 15,301 की मौत। गुरुग्राम से सटे बादशाहपुर में ATM लूटने के मामले में सेना का एक जवान सहित दो लोग गिरफ्तार। स्मृति ईरानी पर अमर्यादित टिप्पणी करने पर सिटी कोतवाली थाना में मामला दर्ज। 27 जून में एम्स में फिर शुरू होंगी सभी बीमारियों के लिए OPD। ऑनलाइन पंजीयन कर इलाज के लिए पहुँचे